राम, अगर तुम्हें मुझसे सीता वापस चाहिए तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। युद्ध, ये आखिरी विकल्प है तुम्हारे लिए। युद्ध करो राम, युद्ध। हे रावण, तुम तो महाज्ञानी हो, ज्ञानी पुरुष हो रावण, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। इस तरह से अपहरण करके सीता को लाकर रखना ये उचित नहीं है। ये दुर्व्यवहार न तुम्हारे लिए उचित होगा और न समाज के लिए। ऐसा ना करो रावण, ये तुम्हारे दुष्परिणाम का कारण बनेगा। ऐसा ना करो। राम, तुम निर्बल हो, तुम्हारे पास सैन्य शक्ति भी नहीं है, इसीलिए तुम मेरे पास विलाप कर रहे हो कि सीता को छोड़ दूं, जो हो नहीं सकता। तुम्हें तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा और सीता को जीत कर ले जाना होगा। और यदि यदि तुम हार गए तो सीता के साथ विवाह मैं करूंगा। रावण, रावण, ऐसा ना करो, ये उचित नहीं है। तुम्हारी सोच पर मुझे दया आती है। ऐसा ना करो रावण, तुम अपने विनाश का कारण ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हें आखिरी बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझो, ये तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा रावण। ये घमंड कहीं भी किसी भी तरीके से तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा रावण। ऐसा ना करो। हे दुर्बल प्राणी, तुम मुझे ये संदेश दे रहे हो, मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो लंकापति रावण को कि मैं यूं ही छोड़ दूं सीता को, ये कभी नहीं हो सकता। तुम मुझसे युद्ध करो, युद्ध, और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी हत्या करूंगा। हत्या राम, उसके बाद लंकापति रावण सीता के साथ विवाह करेगा। रावण, तुम्हारे जैसे महाज्ञानी ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है रावण? ऐसा हो सकता है क्योंकि तुम्हारे अंदर घमंड आ चुका है, शक्ति का घमंड। तो ठीक है रावण, तुम युद्ध के लिए तैयार रहो और मैं भी युद्ध के लिए तैयार हूं, और फिर मैं सीते को जीत कर यहां से विजय होकर अयोध्या लौटूंगा। और इसी के बाद भगवान राम जीत जाते हैं, लंकापति रावण को मार डालते हैं, जी हाँ, और विजयी होकर माता सीता को लेकर अयोध्या जाते हैं। और इसी खुशी में देश के सारे लोग दीपक जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, जी हाँ। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे मार्ग पर चलें, अच्छी सोच के साथ हर कार्य को करें। हर बार हर चीज आपके जीवन में अच्छा ही होगा, जी हाँ। दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं।